अगर आप भी संजू सैमसन को एक बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और तीसरे T20 का पूरा मैच का आपको हाईलाइट बताएंगे। तो वीडियो देखते रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए। तीसरे T20 में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो भारतीय बॉलर्स ने खूब हमला बोला और पावर प्ले तक श्रीलंका का मैच 18 रन पर 3 विकेट्स गंवा चुके थे। तभी श्रीलंका पूरी तरह से डैशमैश हो चुका था और श्रीलंका का पूरा मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर फेल हो चुका था। वो तो अंत के ओवर में कप्तान धनुष सनका ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए श्रीलंका का अच्छा खासा स्कोर पहुंचा दिया। टीम इंडिया की ओर से आवेश खान, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज ने काफी शानदार गेंदबाजी की। वहीं श्रीलंका के कप्तान धनुष सनका ने नाबाद 74 रन जड़कर टीम इंडिया को 147 रन का लक्ष्य दे दिया। जवाब में टीम इंडिया की ओर से ओपनिंग करने आए इस बार संजू सैमसन और रोहित शर्मा ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और रोहित शर्मा मैच दूसरे ओवर में ही पवेलियन में लौट गए और ये 5 रन करके एक बार फिर से दशमुच चमारा का शिकार हो गए। लेकिन उसके बाद में संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर दोनों क्रीज पर मौजूद हो चुके थे, लेकिन संजू सैमसन ज्यादा देर तक नहीं टिक सके और जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसकी ओर से दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 21 रन का अहम योगदान दिया। लेकिन इस पारी में सबसे शानदार पारी रही श्रेयस अय्यर की, जहां इन्होंने लगातार 3रा अर्धशतक जड़कर टीम इंडिया को बिल्कुल जीत के क्लोज पहुंचा दिया और बाद में रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को शानदार तरीके से जीत मिला दी। दोस्तों, टीम इंडिया की इस बल्लेबाजी पर हम क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।